हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है और अब मैं आपको सामने इसका क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, ये 12th क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है मेजरिंग 15 मीटर एंड 8 मीटर इज टू बी लेड बाय द टाइल्स मेजरिंग इतना एंड इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टाइल रिक्वायर्ड। फर्दर इफ द कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट द स्पेस 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एजेस एंड द एजेस ऑफ द फ्लोर, वट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखो और अब मैं आपको देखो इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं इसको बहुत ईजी और बड़े सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, एक क्या है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। तो देखो, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो 15 मीटर का है और 8 मीटर का है। ठीक है, उसकी लेंथ 15 है और ब्रेथ उसकी 8 है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है बच्चों, टाइल्स है, मुझे इस पूरे फ्लोर में टाइल्स लगानी है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब याद रखो, अगर मुझे टाइल्स लगानी है, पहले तो मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसकी सबसे इजी तरीका क्या है। टाइल्स है, लेट सपोज ये टाइल्स है, मेरे घर में टाइल्स लगनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टाइल्स सबसे पहले अगर टाइल्स लगनी है तो टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन होगी। टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन होगी, ठीक है। अब टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन है और जहाँ पे टाइल्स लगनी है उसका भी लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन है। जस्ट लेट सपोज ये रूम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन होगी, और ये टाइल्स है, इसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन होगी। मुझे अगर पता करना है कि कितनी टाइल्स लगनी है रूम में, तो मैं रूम का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स कर देता हूँ। तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे कमरे में कितनी टाइल्स लगनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि टाइल्स जो है ना वो मीटर में, अगर जैसे रूम, अगर इसका ऊपर वाले का एरिया अगर मीटर में है ना, तो नीचे टाइल्स का एरिया भी मीटर में होना चाहिए। अगर ऊपर वाले का सेंटीमीटर में है तो नीचे वाले का भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सबसे पहले मैं इसकी टाइल्स ही निकाल लेता हूँ कि इस पूरे रूम में कितनी टाइल्स लगनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत ही इजी है। टाइल्स का क्या होता है, हमें एरिया निकालना पड़ता है जहाँ पे टाइल्स लगनी है। टाइल्स का एरिया निकालो, डिवाइड कर दो उसको, और फिर हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स लगनी है। ठीक है ना, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकाल लेता हूँ, क्या होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों, 15। ब्रेथ कितनी है, 8। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एरिया आ गया। अब मैं टाइल्स का एरिया निकाल लेता हूँ बच्चों, किसका, टाइल्स का, है ना। तो टाइल्स एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो देखो बच्चों, टाइल्स का एरिया मुझको गिवन है। टाइल्स का एरिया बच्चों मुझे गिवन है, कितना दे रखा है यहाँ, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, ये दोनों सेंटीमीटर्स में है और ऊपर का एरिया देखो क्या है, मीटर में है। तो पहले मुझे इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेसिकली मुझे डिवाइड ही करना है, तो ये काट फीट मत करना, बस सिर्फ करके छोड़ दो इसको। तो देखो ये, इसको अगर मैं इसको मीटर में करता हूँ तो ये हो जाएगा 50/100, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 25/100, है ना। ये दोनों अब हो गए मीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। तो देखो मैं इसको काट लेता हूँ, 1/, इसका आ गया आपका 1/2 और 1/4 मीटर आ रहा है, 1/2 मीटर एंड 1/4 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट देखता हूँ कि कितनी टाइल्स आ रही है। ठीक है, तो टाइल्स के लिए हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी या फ्लोर का एरिया था 120 मीटर स्क्वायर, और टाइल्स का है 1/2 आया एक में और एक में आया 1/4। तो बच्चों देखो, ये भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 120/8, ये 8 ऊपर चल जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा आंसर, 120 × 8, और 120 × 8 होगा 8 × 16, 8 × 1 = 9, 960 टाइल्स आ जाएगी। कितनी बच्ची, 960 टाइल्स आ जाएगा। देखो कितना इजी था ये। अब क्या कह रहा है ये,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि ये जो 1 1 मीटर का जो गैप है ना, यहाँ पे ना क्या लगना है पता है? यहाँ पे लगना है आपका रेड कारपेट। कारपेट रखती है ना, कारपेट लगाते हैं हम घर पे, तो वो लगाना है। अब इस पे क्या करना है, कारपेट लगाना है मुझको। अब देखो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, अगर मुझे इस पे कारपेट लगाना, मतलब इस एरिया पे लगाना होगा ना, देखो इस एरिया पे लगाना होगा, तो पहले मुझे अंदर वाला एरिया निकाल देता हूँ, बाहर वाला एरिया तो मुझे गिवन ही है। और अंदर वा बाहर वाले एरिया से जब मैं अंदर वाले एरिया को माइनस करता हूँ, तो देखो बाहर वाला एरिया आ जाएगा, और इसी में मुझे कारपेट भी लगानी थी, तो भाई कारपेट का एरिया इसके एरिया के बराबर ही होगा, तो मैं बस यही करने वाला हूँ। और देखो कितना ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैं अब इसका नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, और यही बोल रहा है हमको इस क्वेश्चन में, बोल रहा है कि अब बताओ भाई फ्लोर, अब वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड, कितना अनकवर्ड है। अब ये तो कवर्ड हो गया, अब कितना अनकवर्ड है, फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो मैं देखो इसको करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। अब कारपेट की लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, अंदर वाले, पहले मैं अंदर वाले का एरिया निकाल लेता हूँ ना, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, अब पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है, तो देखो ये पूरा कितना था बच्चों, ये पूरा था 15, और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो जो मेरा पी क्यू होगा ना, देखो बच्चों पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 - 2 विच इज 13 मीटर, और जो मेरा आर क्यू होगा, आर क्यू होगा वो कितना होगा बच्चों, देखो 8 है, 8 में से एक इधर माइनस करूंगा और एक इधर माइनस करूंगा, तो कितना हो जाएगा 8 - 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, है ना। तो देखो मैं इस अंदर वाले का एरिया निकाल सकता हूँ, पी क्यू आर एस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 13 * 6 हो जाएगा, और 13 * 6 कितना होता है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 78 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये हो गया अंदर वाला, आ गया 78 मीटर स्क्वायर, और पूरा बाहर वाला 120 है, तो देखो अगर मैं बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर दूंगा तो ये फ्लोर का ये एरिया आ जाएगा, तो बस यही चाहिए मुझे। तो देखो ये हो जाएगा इसको पाथ एरिया लिख देते हैं, पाथ एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, 120 में से 78 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, 120 में से 78 अगर मैं माइनस करता हूँ, तो बच्चों आ जाएगा कितना, 42 मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये जो अनकव, ये जो पाथ वाला है ना, ये 42 आ गया। अब उसने बोला फ्रैक्शन निकालो, किस किस का फ्रैक्शन निकालो, जो बोल रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर विच इज अनकवर्ड बाय कारपेट, तो अनकवर्ड बाय कारपेट, जो कारपेट से अनकवर्ड है, तो वो कितना है, वो हो गया बच्चों कितना, बच्चों एक सेकंड रुकिए, तो बच्चों अब इसका फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। तो फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन किस किस का निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है जो पाथ है और उसका टोटल एरिया का, तो टोटल एरिया है मेरा 120, तो मैं इसको काटूंगा, तो बच्चों देखो फ्रैक्शन आने वाला है मेरा 7/20। तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन था, अब हम इसका करेंगे 13th क्वेश्चन।